नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पिछले कुछ दिनों से अपनी हरकतों के कारण से नजरों पे चढ़े हुए हैं। अभी हाल ही में पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह जेल के अंदर मसाज लेते हुए नजर आए, और अब एक नया वीडियो बीजेपी की तरफ से वायरल हुआ है जिसमें वह खूब सारे फल खाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इनकी यह हरकत को देखते हुए इन पर तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि यह जेल में नहीं बल्कि किसी होटल के रिजॉर्ट में है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के वकील ने बताया था कि उनका वजन 28 किलो घट गया है, लेकिन अभी उनका 8 किलो वजन बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाते दिख रही है। पार्टी ने मसाज का वीडियो जारी करने के बाद मामले की जांच के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिख दी है। दरअसल मसाज वीडियो पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने दावा करते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन बीमार है और डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी कराने को कहा है, जिसके चलते उनकी मसाज की जा रही है। अब हमें यह देखना है कि मनीष सिसोदिया ने मसाज वाले पर कहा था कि उनकी तबीयत खराब थी, अब तिहाड़ जेल के अंदर फल खाते नजर आ रहे हैं, अब मनीष सिसोदिया इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहे विराट।